अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पावर डायरेक्टर में अपनी वीडियो को दोस्तों एडिट कर पाएंगे। तो पावर डायरेक्टर का ये ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें हम काफ़ी अच्छी एक वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पावर डायरेक्टर में आप एकदम एडवांस में एडिटिंग नहीं कर सकते जैसे कि आप काइन मास्टर में कर सकते हैं, लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट ये कि आप जितनी भी चीज़ें एडिट करेंगे वो बिना कोई एरर के एक्सपोर्ट हो जाएगी, बिना कोई एरर के आपका आराम से एडिट कर पाएंगे, जो काइन मास्टर में बहुत बार एरर हो जाता है। तो पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी कि आप कैसे 3D एनिमेशन कर सकते हैं, उसमें मैंने काइन मास्टर एडिट किया था और एक दो बार मेरा आधा एक्सपोर्ट में जाते ही वहाँ पे हो जाता है एरर कि सॉरी आपका वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे देखना पड़ता क्या गलती है, फिर ठीक करना पड़ा। तो बहुत, लेकिन ऐसा कुछ खास होता नहीं कि वीडियो मैंने 5-6 लेयर लगा दिए, ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एरर हो जाता है। तो ये चीज़ पावर डायरेक्टर में नहीं होती। अगर आप एकदम सिंपल एडिट करते हैं वीडियो तो कुछ नहीं होता है पावर डायरेक्टर में, और कभी होता भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता एडिटिंग क्या होती है कैसे होगा, तो आप पावर डायरेक्टर पहले यूज़ करें, उसके बाद आप काइन मास्टर ज़रूर से यूज़ करें, एडवांस एडिटर है वो। तो इतना भाषणबाजी के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट टू स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे आपको दे एक्सपेक्ट रेशियो का, तो बीच वाला जो है वो आप टिकटॉक बनाते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब बनाएंगे तो आपको इसको यूज़ करना है, अगर आप इंस्टाग्राम की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 1:1 चूज़ कर सकते हैं। तो हम है भैया यूट्यूबर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 16:9 का अपना रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं वरना रहने दो यार उतना कौन होगा। तो यहाँ पे 16:9 हम लोग यहाँ पर लग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो मीडिया है फाइल वाला, आपको जो फोटो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपका वीडियो है, यहाँ पे आपका फोटो है, और यहाँ पे आपका ऑडियो है, ठीक है, जो आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा। तो टेंशन मत ले, हमें खेल है। तो करना क्या है दोस्तों, आप अपने वीडियो को यहाँ पे शूट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सिंपल वीडियो को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ बेसिक फीचर मैं आपको बताऊँगा। तो ये यहाँ पर एक हमारा वीडियो है। तो करना क्या है, अगर आपको कहीं से काटना है आगे से पीछे से, तो वो चीज़ बेसिक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि 21 मिनट के बाद मेरा वीडियो यहाँ शुरू होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कट वाला ऑप्शन आप दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये कट गया यहाँ से। आप चाहे तो आप इसे डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, और आपका वीडियो ये यहाँ से शुरू होगा। तो ये बिगिनर्स का गाइड है, जिनको पता है ये सब क्या है तो वो हंस रहे होंगे इस वीडियो में, तो कमेंट में भी जाके हंस दीजिए थोड़ा। लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए ये सब चीज़ नया है, तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए हमने काट दिया, वीडियो यहाँ से दोस्तों हमारा शुरू होगा। तो करना क्या, अगर आप चाहते हैं कि गलती होगी आप कैसे वापस लाएं, तो यहाँ प्ले के ऊपर एक बटन होगा, इसको क्लिक कर दिया और ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी है इसमें ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर आप कट का जो बीच में आप देख पा रहे होंगे, आपको बस इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे जो काइन मास्टर से काफ़ी अच्छे हैं। काइन मास्टर भी अच्छे आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन उसका लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पावर डायरेक्टर में आपको फ्री का बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों, अब मैं क्या बताऊँ कितने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइस, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉग भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिए और ये सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप इसका प्रीव्यू है ना यहाँ पर से देख सकते हैं, नीचे क्लिक करिए और ये देखिए इसका प्रीव्यू आपको पता चल जाएगा ये कैसे आ रहा। तो ये चीज़ आपको काइन मास्टर नहीं मिलती भैया अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी ऑडियो जो है हम लोग कम कर देते हैं, वरना ऐप को तकलीफ होगी, तकल्लुफ़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो ये हमारा दोस्त हो गया, तो कितना स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, देखिए एकदम स्मूथ हो गया, स्मूथ ट्रांजेक्शन आपको देखने इसमें मिलता है। तो ये तो बात रही हमें कट कैसे लगाना है, ये कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा ये आप ये सब कर लेंगे, अब क्या करना है, थोड़े एडवांस फीचर के बारे में हम जानेंगे। तो एडवांस फीचर क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो अगर इस वीडियो को आपको रिवर्स करना है, रिवर्स में जाना चाहते हैं वीडियो को, तो मैं दिखाता हूँ रिवर्स कहाँ से अच्छा होगा। तो ये वीडियो यहाँ का ठीक लगेगा, हाँ यहाँ से करते हैं, यहाँ से कट और यहाँ से बस। अब इस चाहता हूँ इतने हिस्से को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, रिवर्स वीडियो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप पेंसिल बना हुआ ऑप्शन आ गया यहाँ पर करिए, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको, जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से स्टेबलाइज है। अगर आप हाथ में लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी काम आने वाला स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये आपकी वीडियो को स्टेबल कर देगा। फिर आता है कलर, तो यहाँ से आप कलर करेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा डिटेल में। तो कलर करेक्शन आप कर सकते हैं, जूम इन, क्रॉप कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, स्किन स्मूथ जो आपको काम आएगा जब अपनी वीडियो आप शूट कर रहे हैं, वॉइस शेप वगैरह, तो ये सब चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर रिवर्स का अच्छा ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कर देना है, ओके करना है, रिवर्स करना है, तो काफ़ी जल्दी होगा। देखो यार, आप देखो जीरो है, जैसे ही 1% होगा काफ़ी जल्दी ये होने लगेगा। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये टाइम अपना लगाएगा। तो जब ये वीडियो रिवर्स हो जाएगी तो देखने लायक होगी। तो इसका जो ऑडियो है वो भी रिवर्स हो जाता है दोस्तों, और इसका जो वीडियो है वो तो रिवर्स होता है, स्मूथ होगा, ऐसे भी नहीं लगे कि लैग कर रहा है।
तो ये एकदम बिगनर्स वाला एकदम वीडियो एडिट है दोस्तों, काफी आराम से मजे में आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस वीडियो को रिवर्स कर दिया है, अब देखिए देखने में आपको काफी दोस्तों को आने वाला है मजा। ये देखिए जा रहा है वीडियो पीछे एकदम स्मूथ आप देख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने में काफी मजा आती है, काफी चीजों पर आप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा वीडियो दोस्तों एकदम पीछे रिवर्स, तो इस तरीके की वीडियो आप दे सकते हैं, अपने वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए तो कान दोस्तों हमारा इस तरीके से हो जाता है, एकदम स्मूथ चलता है, इसकी ऑडियो है वो भी स्मूथ चलती है। ये देखो पीछे, तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। और इसको वापस से ठीक करना है भैया, गलती हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसको वापस से आप रिवर्स करेंगे तो ये वापस जो इफेक्ट है वो इसका वापस आ जाएगा। तो भैया इस तरीके से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। और भी दूसरे फीचर्स की बात करें, डुप्लीकेट हो जाता है, कलर करेक्शन हो जाता है, स्मूथ स्किन हो जाता है, तो ये सब आप अपने से भी दोस्तों कर सकते हैं। तो बस इतना काम हो जाता है, कहाँ से काटना है वहाँ से काटिए, ट्रांजेक्शन दोस्तों काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। और कुछ अगर बात करें इसे सिनेमैटिक इफेक्ट देना है तो वो भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर दो ऊपर नीचे आप एक लेयर लगा सकते हैं ऑडियो का। और लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लेयर लगा सकते हैं, वीडियो लेयर लगा सकते हैं, इमेज लेयर और स्टिकर। तो यहाँ पर आप यूट्यूबर तो स्टिकर काफ़ी काम का है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वीडियो को शेयर करने का स्टिकर मिल जाता है, जो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट दोस्तों वो कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी दोस्तों वो अच्छी है। तो हमारा तो काम हो गया भैया यूट्यूबर लोग का, और देखते हैं क्या है दोस्तों लेयर पे और स्टिकर्स है जो है लाइक करने का। तो ये एनिमेटेड है, ठीक है, ये एनिमेटेड, और यहाँ पर आपको एक फ्रेम भी मिल जाता है जिसमें रिकॉर्ड होता है ना आपका कैमरा, तो ऐसा फ्रेम आता है, तो कुछ ऐसा फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको लाइक करने का भी एक एनिमेशन टाइप का आपको, ये देखिए एनिमेशन जैसा आपको मिल जाता है, तो यूट्यूबर लोग के लिए ठीक है भैया, उतना दिमाग पीछे नहीं करना पड़ता। काइन मास्टर में आपको अलग से ला के ग्रीन स्क्रीन से लगाना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हैं। अब बात करें वीडियो लेयर्स की, तो यहाँ पर आप वीडियो लेयर वो कितनी लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई वीडियो लेयर दोस्तों वो लगा लेते हैं, तो ये रहा एक ही वीडियो लेयर, ठीक है, इसी का। अब इसको करते हैं डुप्लीकेट, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, आपको क्रोमा की का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम करेंगे डुप्लीकेट, तो ये देखिए दोस्तों होता ही है कि आप वीडियो लेयर है वो एक ही लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा नहीं सकते। अगर नीचे लगाएंगे तो इसका जो वीडियो लेयर है वो ऑडियो लेयर में बदल जाएगा, ये देखिए इसका जो वीडियो लेयर था वो ऑडियो लेयर में बदल जाता है। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक ही वीडियो लेयर लगा सकते हैं, काइन मास्टर में आप दो तीन लगा तो सकते हैं, लेकिन उसमें एडिट फिर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि आपको ये वीडियो है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वीडियो है, तो आपको सिर्फ इसकी ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, बस इसकी ऑडियो चाहिए आपको बैकग्राउंड में या फिर कुछ और में, तो आप इसको सिलेक्ट करिए और टान दीजिए भैया नीचे एकदम। तो ये देखिए आ गए हमारा, तो ऑडियो लेयर की बात करें तो ऑडियो लेयर आप भी एक लगा सकते हैं एक टाइम पर, उसका नीचे डबल नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा दोस्तों वो होता है। आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करें तो बात दूसरा है, क्योंकि आप उसमें कुछ एडवांस फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप सोचेंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया, क्योंकि मेरा म्यूज़िक आ गया एक और कुछ बैकग्राउंड में रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर सिंपल है भैया काम आपका हो जाता है। टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर बना बनाया एनिमेशन टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, वैसे काइन मास्टर में आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसका में भी कुछ खराबी दोस्तों वह नहीं है, खासतौर पर जब आप बात करें इस टाइप की कुछ टेक्स्ट की, ठीक है, जैसे कि ये जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ दोस्तों को लिखने पड़ती है, फिर उनको एनिमेशन देना पड़ता है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है दोस्तों आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतना, ये एक सिंपल है, सिंपल वीडियो एडिटर है, एडवांस नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपका काम जो है इससे चल जाता है। और कुछ चीज़ें वो काइन मास्टर से भी ज़्यादा देखने को अच्छी मिलती हैं, जैसे कि अब बात करें, अब इसको हम करते हैं प्रोड्यूस वीडियो, तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधा कहीं भी शेयर कर सकते हो, सेव टू गैलरी करते हैं, तो यहाँ फुल HD का ऑप्शन मिलेगा जो लॉक होगा, लेकिन अगर आप देख लेते हैं एक वीडियो तो आप इसको कर सकते हैं, वैसे 400 रुपये का पर मंथ का है तो भी आप कर सकते हैं, वरना आप एक यहाँ पर देख सकते हो वॉच, और वॉच कर सकते हैं आप एक ऐड गौर, उससे आपका खुल जाएगा फुल HD का, तो नो थैंक्स पहले हम कर देते हैं यहाँ पर, तो उससे आप कर सकते हैं दोस्तों फुल HD में वीडियो को एक्सपोर्ट। लेकिन आपकी अगर वीडियो 720p की HD क्वालिटी की, तो फुल HD में उसको करने का कोई मतलब नहीं, मतलब ऊपर से आपकी वीडियो लाइक करती है, तो यही बात रहता है। और इसमें कोई आपको ये फ्रेम पर सेकंड कुछ FPS का कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो जितनी FPS है उसी में आपका जो काम जो हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको कर देते हैं जल्दी से एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में भी दोस्तों ये एरर कभी नहीं आया है मेरे साथ, तो शायद आपके साथ भी कभी एरर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एरर होता ही नहीं यार, क्योंकि ये अपना हिसाब से आपको ऑप्शन देता है। वैसे काइन मास्टर में तो बता 4-4, 10-10 लेयर लगा दो वीडियो लेयर के, एक्सपोर्ट में जाके आपका पोपड़ा बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी अच्छी वीडियो अपने एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद हुई आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो पता ना क्या करना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मिलते हैं
अगले वीडियो में।